अशोक जी पिलानिया साहब स्टेज पे आए। बोलिए मीठा राम जी महाराज की। रणजीत जी मीर, एक जमींदार कोई गुड़गंडा को खेत मारा क्यों दू, अब वह गुड़गंडा ने चौफेरा से काटे बीच में देखियो को ना, बीच में कोई अपराधी जो वया तो या मेरे मां तो खैर कई दिन से नाराज हो रहे जो है, पर अब और कहीं को नाम के ले भाया भाई जो कोई नाम लियो जागो गहरी मित्रता हो जना। जमींदार चारी मेरे से गन्ना ने काटे बीच में कोई इंदिरा चमन प्राला श्री को अपराधी पूछ गो जो मेरे बीच का माई से बांडो लगायो सारा खेतन थोतो कर दियो और मोड़ा मोड़ा छोड़ा जना। जमींदार एक दिन कुदरती काट तो आ गया न बढ़ो और वह खड़ देसी ने बाण नो खुल्लो और वो बोले मेरा हो यो कुण लेगो बीच में आप चारी मेर लाग रिया था। जना जमींदार आथनार गांव में गांव का ने बेड़ा करे बोले यार मेरा तो बीच बीच में गुणगन्ना का खेत ने सारा नहीं काट ले गांव। बोले भाई देख लो देगा बोलो चाला की करवाड़ो आज भी कुण हो सके जाए। बोलो बात चाला की करवाड़ो तो ये की आज भी जाए। बोलो कौन है? बोलो बात चमन प्राणो इंद्राज जी सह का कान कतर सके जो और खेगा बस की बात। बोलो बाप बलाओ बलाए जना। बोलो भाई मेरा गन्ना की चोरी होगी और मेरा गन्ना को एक गांव तय करियो जाए। बोलो भाई बस्ती माता बताओ क्यों ना। बोलो भाई इंद्राज जी साफ शब्दा की बात जब तू लेगोन का गन्ना काइटर सारा। बोलो भाई मैं तो कौन लेगो। बोले यार अब की शादी देखो जो चारू माशा का 500 रुपया दिया रे आई एक लो आप वाली पार्टी का ही। तो इसमें मेन मुद्दा की बात यह है आपके बीच में गाने वाले भी बैठे हैं और यहाँ हमारे सबके पूजनक एक विद्वान शास्त्री वासुदेव जी भी बैठा हुआ है और मैं आपसे यो बीच को प्रकरण कहीं आगो अब जो कथा उठा वालो जो आ रहे हैं कि चाला की कर गो उन गोल मोल के माए की जगह गो गो अब कहीं के तो पूछड़ी हाथ लाग रही जे कहीं के टांगड़ी हाथ लाग रही जे कोई तो किमी कर रो जे कोई किमी कर रो जे कोई ना कर रो जे अर्थियाया खाया चले जाओगा ई पार्वती बोला को ब्याह होन हुई क्यों हां कहीं को सलो पिचोलो ही मतलब कोई मैना आदमी बण्यो कोई ना और मैं ना आदमी कौन है पिचोला श्यामी श्रीकांत बना दे तू ये कोई लगन को अंजलि वाय दे आई की कोशिश में जत रहे तो भक्तों आपके बीच में इसमें नाराज होने की बात नहीं है कि ये बोला और शंकर पार्वती दोनों का प्यार से ही ब्याह हो गया था क्या। गाने वाले बैठे हैं और मैं तो अनपढ़ आदमी मेरे से तो बहुत सीनियर सीनियर विद्वान आदमी बैठे हैं कि ये जया गार्याग दोनों को प्यार हो गो तो वही प्यार से या शादी होगी जी के। बोलो साहब ये उसे प्यार से हुई थी क्या? इसका विस्तार करो और इसका विस्तार करके इसका जड़ मूल लेकर के और वो सारा दास्तान खोल करके बताओ कि शंकर और भगवान पार्वती की शादी कैसे हुई थी। देखो तू बताओ जी के एक बात बताओ जो आदमी दिन रात अड़जोड़ है और उन्हें बूझे कि पांच मुकड़े लागे जाए तो मैं तो ये जानता हूं कि गूंजने वाला भी मूर्ख है। समझ गई आप? जब शंकर भगवान और पार्वती पहले बात तो तुम्हारा ये पार्वती शब्द है मिथ्या है हमारे गुरु महाराज बैठे हैं। ये जो शक्ति जिसका अवतार जब हुआ राजा हिमगिरी के नारद जी ने चार नाम निकाले थे काली तारावती महाकाली काली तारावती महाकाली शिवपुराण को पढ़ लीजिए आप सब पढ़ने वाले बैठे शिवपुराण को पढ़ लीजिए। पार्थ परमेश्वर को ब्याने के बाद में इसका नाम पार्वती रखा था उससे पहले इसका नाम पार्वती नहीं था। तारावती काली महाकाली इसका नाम पार्वती बाद में पड़ा था जब पार्थ परमेश्वर को ब्याई गई थी उसके बाद में इसका नाम पार्वती पड़ा था। और सन पार्वती का शादी करवाने ये शक्ति अवतार का शादी करवाने का मतलब
असुर जो ब्रह्मा जी का प्रधान पात्र का प्रधान था कि शंकर भगवान का कोई संतान होगी और तब देवताओं का उद्धार होगा। गुरु महाराज हमारे सामने बैठे हैं, कृपा करके जरूर बताएं कि बात सत्य है कि ना सत्य है। बोले शंकर भगवान की, देखो तावली खुमारी काचा बन जाए और दूध उफन जाए से जना घर खाके भी दुख हो से और खडावनी के भी दुख हो से तो आदमी कदे भी निहाल खून करे। देखिए मामा जी ने प्रश्न किया है कि माँ पार्वती ने ब्रह्मा पुत्र नारद गुरु जी व्यास जी से मेरा निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा तंज विद्वान नहीं हूँ क्योंकि हर गवैया कह देता है कि ठेकला तो वैसे धाम देता है और उसके पास कुछ नहीं है कहते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं ऐसा ही जानता हूँ भाई, कुछ नहीं जानता। कृपा करके आप थोड़ी देर सुनेंगे कि पहला प्रश्न तो ये था कि माता सीता का भेष बना करके प्रभु राम को छोड़ने के लिए माँ जगदम्बा गई। उस समय भगवान ने उसने ये कहा था कि अगर प्रभु राम तेरे को पहचान जाएगा तो मैं तेरा प्रत्याग कर दूंगा, प्रभु राम माँ कह देगा तो मैं भी तेरे को माँ स्वीकार करूंगा। पहला प्रकरण। नंबर दूसरे को पर मामा जी ने जो कहा है उधर ध्यान दे, उन्हीं मन दे वाह तेरी रूकी एक साठ काट जाए, ध्यान मत दे ध्यान उधर दे। मैं जानता हूँ विद्वानों को भी जानता हूँ, कहना नहीं चाहता लेकिन मेरे को वरदान है गुरु जी का कि ताड़क और ताड़कवत ताड़ का सोर नाम बता वो सीख, पहली तो नाम बता वो सीख। ताड़का सुर दैत्य हुआ जो ब्रह्मा जी की भक्ति किया और भक्ति करने के पश्चात चक्रवर्ती सम्राट का भूप बन गया। ऋषियों की देवताओं की जो भी भक्ति करता था, जिनकी भक्ति में बाधा डालता था, यज्ञ हवन बंद करता था, सब देवता घबरा गए, त्राईमान त्राईमान हो गई पूरे भूमंडल में। जब उस समय भगवान ने कामदेव को रति को भस्म कर दिया था, उसने भगवान कामदेव को रति को जन्म दिया, भगवान कृष्ण के द्वारा प्रद्युमन और प्रद्युमन के घरवाली, उसके बाद में देवताओं ने भगवान शिव की शादी का जिक्र आए। वो तारकासुर दैत्य चौफेरा घूमता फिरता रहता था और जब नट को भेष बना करके एक मिनट नट को भेष बना वापस जाए से ना और मना कर दे से मामा जी, उसके बाद में देवताओं की सभा लगती है कैलाश पर्वत में। अब भगवान शंकर जाया और भगवान भोलेनाथ को मना कर दियो कि मैं तुम छोरी आज दूना डाल दूना। जब ब्रह्मा पुत्र नाथ गये माँ चंद्रा जाकर ने बोले तू तो गलती खा गो, बोले के बात, बोले तेरे घर आए आयोजन 900, बोले मेरे घर हाँ, बोले हाँ, बोले नहीं, बोले महाराज जरूर आया था, कहो मैना से मैना कहते नहीं। और उन्हीं पार्वती बगबग शिवा के लागी, बोले तू कया सजे, बोले पिताजी मैं तो थारी बात मांगे आसी आगी, अग देख मैं कैसी जू पागल जो मैंने मनमाओ जो ही मांग ले सकिया मैंने दे दे। वो नट आकर के मेरी साथ में कह दिया कि मेरी शादी कर दो, मैं तो ही बात वाला सीजू, प्रमाण पढ़ करके देख लेना। और जब उसी समय नारद कहता है कि महाराज तेरी बेटी तेरा जवाई को नाम बता दी, मैं क्या बताऊंगो, बोले तो नट बता रही है, तो बोले वाई तो जो वही तो ठंडा थी, भगवान आपको परीक्षा लेने के लिए आया था और अजमाने के लिए आया था। इसके बाद में मामा जी देवताओं की सभा होती है, ब्रह्मा पुत्र नार देवताओं को खबर पहुंचाता है कि भगवान शंकर साफ इनकार कर दियो शादी की खातर। सब देवता एकत्र होते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान शिव का पैर पकड़ के कहते हैं कि महाराज तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, यहाँ से चालू करो। मामा जी अब देवताओं से क्या कहता है क्या नहीं कहते, कैसे देवता आगे फिर शादी होती है। और ये कह दिया ब्रह्मा पुत्र नारद टीको ले जा, टीको ले जाएगो जो मैं बता जाऊंगा, टीको कौन ले जाए सर पटल देख लीजिए। मैं वर्तमान मेनका थाना विधायक सुरेश जी मोदी का स्वागत करण सिंह जी बोपिया माला व सापा पहना कर कर रहे हैं। नीमका थाना विधायक सुरेश जी मोदी का स्वागत है। मैं क-
कांता प्रधान जी से निवेदन करूंगा। हेलो, मदन जो वासियों ने नाम बता रहे ठीक बता रहे हैं, असल नाम उसका क्या था?